हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला G22 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और ये लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद किस तरीके से काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले पर आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डिस्प्ले के इस पेज में नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको जो है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ये ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अगले पेज में लॉक स्क्रीन का ये ऑप्शन मिल जाता है, लॉक स्क्रीन पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका छोटा सा पेज ओपन हो जाता है लॉक स्क्रीन का। यहाँ पर आपका पहले से जो है सिलेक्टेड होगा डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल, इस ऑप्शन पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा। आपको करना क्या है कि इसे इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको इसे शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ आ रहा है शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट। तो इस तरीके से ये आपकी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग जो आपकी इनेबल हो जाती है। अब ये इनेबल होने के बाद जो है काम कैसे करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है आप लॉक स्क्रीन पे रखेंगे, ठीक है, यानी कि लॉक स्क्रीन पे ये देख सकते हैं मेरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी ये जो है लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर सामने की तरफ नज़र आएगा, ठीक है। ये सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है। कोई भी आपका नोटिफिकेशन आएगा किसी भी एप्लीकेशन का तो आपको जो है मोबाइल फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो है इस सेटिंग को शॉर्टकट तरीके से अपने फ़ोन में ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि सेटिंग पेज ओपन कर लेना है और सबसे ऊपर आपको जो है ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च सेटिंग पर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर आप जब टाइप कर देंगे तो नीचे की साइड में एक ऑप्शन शो हो जाएगा लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का। जब ये ऑप्शन शो होगा तो इसे सिलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद जो है आप इसे इजीली शॉर्टकट तरीके से जो है इनेबल कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं।